الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وصلى الله على النبي الكريم سورة مدثر 29वां पारा सफ़ा 557 मेरे कोले सफ़ा 557 माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपनी कलाम वास्ते जमा होवन दी तौफीक इनायत की थी अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। गुज़श्ता दरस विच पता लगा ही कि सारे इंतहाई मुवाहिद बुजुर्ग और मस्जिद दे खासुल खास मोहतरम बाबा राजमीर साहब ओ अलील इन बीमार इन उन वास्ते आफियत दी दुआ की थी आई कि ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उन्होंने अगले दरस विच बावण दी तौफीक इनायत करे और सारे नाल बैठे होवन। लेकिन अल्लाह ताला दी अपनी हिकमत ने अल्लाह के फैसलों के सामने तस्लीम है कि अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतुल फिरदौस आला मकाम नसीब फरमावे। वो सारे तो भी इंशाअल्लाह अच्छी महफिल बाह के अल्लाह का कुरान सुन सकते हैं, क्योंकि जन्नत मौजूद होवे जन्नत हर नेमत और हर ख्वाहिश पूरी होती है। तो एक मुवाहिद की ख्वाहिश अल्लाह की कलाम वाली नेमत तो वड़ी केड़ी हो सकती है। अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतुल फिरदौस इन्हां नेमतां नाल माला माल करे। साढ़े दो बुजुर्ग इस मस्जिद दे एक अपने बाबा जी मोहतमीम साहब मास्टर साहब और दूसरे ए बाबा जी राजमीर साहब, इन्हें समझो मेरा बचपन इन्हां दे ज़ेरे साया गुजरे। इब्तदाई जेले बयानात शुरू किए ने इस मस्जिद के अंदर तो इन्हां दो बुजुर्गों का दस्ते शफकत हमेशा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन्हां नूं जन्नत वालियां नेमतां नाल माला माल करे और अल्लाह ताला इन्हां नूं इन्हां दियां औलादां नूं उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक इनायत करे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां तों बाद उन्हां दे लगे हुए बूटे वो बाहो बहार जारी। अल्हम्दुलिल्लाह असारे मेहनत बुजुर्ग कर वेंदे ने छोदे मेहनतां बाद वाले अगर अल्लाह न करे उन्हां दियां मेहनतां दे उत्ते साबित कदम न रहन तां अफसोस उसले शुरू होंदे। लेकिन अगर बाद वाले उन्यार नेक लोग पैदा हो वञन और उन्हां दे नक्शे कदम दे उत्ते चलण दी पूरी कोशिश करें तां आखो अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला दी ही खास तौफीक है। सारे दोस्तां ने ये जड़ा हुक्म कीता है कि दरस कुरान शुरू करना है और सीरतुल अंबिया तमाम अंबिया दी सीरत वो कुरान पाक दी आयतें चु लिखावनी है। भाई अल्लाह ने सीरत अंबिया इत्थे जड़ी बयान की थी वो लासानी है। वत मैं अपने दोस्तों अर्ज़ किया कि दरस कुरान का सिलसिला वाकयात अंबिया दे शुरू करें और इंशाअल्लाह ये सिलसिला मैं एक जगह पर पूरा किया है। तकरीबन हर हफ्ते दरस कुरान नाल 3.5 साल लगे हर हफ्ते दरस कुरान और 3.5 साल के अंदर नाकिस इल्म के मुताबिक भी अंबिया के वाकयात इतना अरसा लगे। साडा हर 15 रोज़ा दरस कुरान इंशाअल्लाह बहुत कुछ सामने आवे सी, क्योंकि पूरे कुरान का इन्हें समझो 5वां हिस्सा है वाकयात अंबिया। और वत शुरू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो प्यारे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वास्ते ज़ईफ रिवायतां या किस्से कहानियां या ख्वाब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नहीं बधा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह दे कुरान नाल बधदी।
पता लगे कि प्यारे नबी दी एडी वड्डी शख्सियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने उन्होंने जिक्र कितने और किस आला अंदाज नाल कुरान पाक के अंदर किए। अल्लाह ताला सानू कुरान पढ़न की तौफीक इनायत फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अद्धे घंटे की 15 रोज़ा नशिस्त इंशाअल्लाह तुस इस दावत रहे हो अपने हर दोस्त नू। हो सकता है सीरत नबी का कोई हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तर्ज फिकर तर्ज जिंदगी का कोई हिस्सा असारे किसी दोस्त दे दिल लग गया और उस अल्लाह ने अमल की तौफीक दे दी तो इंशाअल्लाह दावत देने वाला नू वो अजर नाल नाल ही उसे लिखी करा सी इंशाअल्लाह। तो पहला वाकया बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू वही किन्हें मिली। पहली वही इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक उस सिलसिले सारा पहला दर्स गुजर चुके और तुसा सुन चुके कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाया है और आप बड़े इस लिहाज नाल घबराए हुए हैं कि एक दावत है और सच्ची दावत देने भी शुरू होती है तो शैतान पूरा जोर लेंदा है और वो कोशिश होंदा है कि सामीन नू मुखातबीन नू मुखालिफ कर देवे कोई ना कोई गल उन्होंने जेहन च पा के मुखालफत दर मुखालफत शुरू हो गई। एक बंदा सादा होवे उसकी कहंदे नाल कोई मुखालफत ना होवे ते बात उसनू मुखालफतां दा सामना करना पवे थोड़ी एक परेशानी तो आवेगी कि मेरी मैं हर दिल अजीज़म हर बंदा मैनू चाहता है हर बंदे नाल मेरी बाह उठ बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन अचानक सारा नाल दुश्मनी पै गई अचानक हर एक ने एका कर गिद्दे और कट्टे हो गए कि हुण इस दे नाल बाइकाट करना है इस दे नाल सलाम कलाम नहीं करनी इस दे नाल हत्ता के रिश्तेदार भी मुखालिफ हो गए सन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इस गल तो थोड़ी घबराहट आई कि मैं क्या है कल्ला मुकाबला कर सक सा लेकिन ये तो अल्लाह ताला दी रहमत होंदी है कि अल्लाह कैं अपने नबी नू कैं मुबल्लिगे तौहीद नू अल्लाह ताला इकल्ला नहीं थी मंडेदा अल्लाह उस दे नाल आंदा है। प्यारे मूसा अलैहि सलातो व तस्लीम भी इसी परेशानी का इजहार किया अल्लाह ताला दे सामने ए मेरे रब्बे करीम मैं वेंदा ता पिया फिरौन को उसनू दावत तो देसा लेकिन अखाफो अन यफरता अलैना औ अन यतगा मैनू ये खतरा है जो कोई ज्यादती ते ना तोलावे खतरा है कि कोई सरकशी करन लग वे सी अगों दावत दे पैगाम नू विचालच रोक रहे सी ये खतरा है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तखाफा ए मेरे दोहे पैगंबर प्यारे हारून अलैहि सलाम प्यारे मूसा अलैहि सलाम तुसा वन्यो फिरौन दी तरफ ला तखाफा खतरा न करो इन्नी माकुमा अस्माउ व अरा मैं अल्लाह थोड़े नाल हाँ सुनदा ही पिया देखदा ही पिया मैं अल्लाह का अपना पैगाम है और इसका कोई इनकार करे सी तो इसका मतलब है बराह रास्त थोड़े नाल नहीं मैं अल्लाह नाल उसकी दुश्मनी शुरू हो गई है। हुण मैं आयात कुरान पाक दे लिखवेंदा प्यारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू खिताब होया दूसरी दफ़ा वही दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद हैं आप नू दोबारा वही आई प्यारी सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पुछदियां हन ए अल्लाह दे नबी थानू जेले पहले पहले वही आंदी आई तो वो अंदाज किस किस्म दा हुंदा आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलो इस वास्ते भी पुछदे हन ताकि सारे हालात वाजे थी वन क्योंकि आप दी शादी हुई है मदीना पाक दे अंदर उस वक्त आप दी उम्र है 16 साल हजरत 19 साल हजरत सैयदा अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा दी उम्र मुबारक तो पिछले हालात को वाकफियत को नहीं इस वास्ते पिछले हालात सुन दिया रहियां पुछदे हन अल्लाह दे नबी थारे कोल जो वही आंदी है किस किस्म दी आंदी है कोई आवाज़ आंदी आई कोई फरिश्ता इंसानी शक्ल है थोड़े को आंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कैफ यातीकल वही अल्लाह दे नबी वही थोड़े को किन्नी आंदी आई प्यारे इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहयान यातीनी मिसल सलसलतिल जरस आयशा तिल मैं किन्ने समझावा क्योंकि ये ताल्लुक होंदा है एक नबी नाल तो एक नबी ही महसूस कर सकता है कि वही किन्नी आंदी है। पहले जल्ले मेरे को वही आंदी आई इन्हें भी बाज़ औकात महसूस थींदा है भाई जिन्हें एक घंटी नुमा आवाज़ होंदी है ना वो अगला बंदा नहीं समझ सकता वो ही किस्म की आवाज़ होंदी है घंटी नहीं घंटी नुमा आवाज़ यह एक जंजीर जिन्हें जमीन दोते
छिक के घिनो मोटा जंजीर होवे और उसकी एक आवाज पैदा थी फरमाए इस किस्म की कोई आवाज होंगी आई वहुआ अशद्दो अलैया जेले ए वही आवे आना वत बहु सख्त होंगी आई मेरे उत्ते अजीब किस्म की कैफियात तारी हो वेंदियन फयुसमु अन्नी वकद वईतु अनहुमा अकूल मेनू वत ओ इतनी शदीद लगती आई कि बाज़ औकात पसीना भी आ वेंदा आई और दिल दो ते घबराहट आंदी आई ते ए भी थींदा आई वाहयान यतमस्सलु लिल मलिक रजुलन बाज़ औकात इन्हें भी होंदा आई कि फरिश्ता इंसानी सूरत च आके मर्द की शक्ल च आके युकल्लिमुनी मेरे नाल ओ कलाम करेंदा आई ए तरीकाकार होंदा आई वही दा तो उलमा ने लिखा तकरीबन सात तरीकों नाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वही आंदी आई एक दिहाड़े ये होया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर मौजूद हैं और आप नु वही शुरू होंदी है केड़ी वही फरमाया ये जड़ी मैं आज थोड़े सामने रखी है आयत सूरह अल मुद्दसर पढ़ दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुद्दसर قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر اے وحی آئی دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو یا ایوہ المدثر اے چادر اوڑن والے میرے پیغمبر قم فانذر اٹھو فانذر تے لوگاں نوں ڈراؤ وربک فکبر اور اپ لوگاں نوں ڈراونا اس انداز نال اے کہ تیرے رب نے کوئی وقت نہیں سمجھیں دے لوگ لوگاں نے کوئی وقت نہیں بنائی ہوئی اللہ دی کی وقت اے کی شان اے کی کبریائی اے अल्लाह दी गल्लां दा लोगां नूं नहीं पता व रब्बका फकबिर अपने रब दी बणाईयां बयान करो मेरे पैगंबर व रब्बका फकबिर ए प्यारे दोस्त वही सुनदे पैन ना भाई दूजी दफा ए वही आई बस अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज नाल अल्लाह दी बड़ाई बयान की थी ओ हवाला तुम सुने ना फरमाया वसिया बका फतहिर ए मेरे पैगंबर जेले रब दी किबरियाईयां बयान करे ध्यान करे अपने कपड़ा नू पाक रखने कपड़ा नू पाक के मतलब कपड़े तो पाक होंदे न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यानी कपड़ा तो मुराद इज्जत है मेरे पैगंबर अपनी इज्जत दी हिफाजत करके रवे क्योंकि जालिम लोगों ने हुण थारी जान माल और इज्जत दे उत्ते अटैक शुरू करने वसिया बका फतहिर बोलने तोल तोल के एक मुबल्लिग नु चाहिए चले तो बड़े सही अंदाज नाल बोले सही अंदाज नाल ताकि इन्हें ना हो जो लोग उस उत्ते उंगलियां खड़िया करन लग पे सन और लोगों ने तौहीद के खिलाफ उसकी इज्जत नु हथियार बना के रहने वसिया बका फतहिर अपने कपड़ा नु पाक रखो मेरे पैगंबर वर रोजो जफा जोन और ना पाकी कोल दूर रवे ना पाकी केड़ी शिरक दी ना पाकी कुफर दी ना पाकी हर किस्म दी जिहड़ी रूहानी तौर ते ना पाकी आंदियां ना इन्हां नु तुसा दूर रावणे वर रोजो जफा जोन वाला तमनुन तस्तकसिर इस वास्ते एहसान न करे जो थानू कोई शे ज्यादा मिलन लग वे सी तबलीग करे सो लोगों जहन्नम वाले राह तो बचा के जन्नत ने घिन के आसो जेहन च नहीं रखना जो मैं एहसान पिए करे ना लोग मेरे मुरीद बन वैसे ते लोग मेनू नजराने दे सन ना ना ला तमनुम तस्तक सिर ए ख्याल ही नहीं करना कि माल और दौलत की तरफ ख्याल ही ना मने तवज्जो भी ना मने ता तो तबलीग का हक अदा हो सी वला तमनुम तस्तक सिर वाले रब्बी का फसबिर ए मेरे पैगंबर तबलीग आला राय सारे थारियां मुखालफत जरूर करे सन लेकिन अपने रब वास्ते डट भी जाए फसबिर दा माना डट मनने वले रब्बे का फसबिर फैदा नुकिर फिन्नाकूर अल्लाह एक मुबल्लिग होण दी हैसियत नाल मैं कदा ते सबर करे सा फरमाया फैदा नुकिर फिन्नाकूर जज़ाक अल्लाह فإذا نقر في الناقور
ये उस वक्त तई जेले सूर पूका वे मेरे पैगंबर उस वक्त तक तुसा कोशिश रामने भाई अपनी तबलीग क्यामत तक क्यामत आले दिहाड़े फैसले होने ये तबलीग दे ए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वही हुई। इस वही का खुलासा क्या है मेरे पैगंबर हुण अल्लाह दियां बणाइयां बयान करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेले वही हुई मुख्तलिफ रिवायात चाहते अल्लाह दे नबी ने मुख्तलिफ तौर तरीके आजमाए हत्ता के इन्हें कीता आपने फरमाया भाई सारी कौम वाला तो एक दफ़ा हूँ पैगाम पहुँच वे कि मैं अल्लाह का नबी बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना बच्चा हाफिज बन वे कि खुशियाँ दिए जी सारा बच्चा रिश्तेदार भी खुश हो वे कि सारे रिश्तेदारों के एक हाफिज बन गई है एक आलिम बन गया बड़ी खुशी होती है। तो वह कौम कितनी खुश नसीब होवे कि जिन्हें अंदर अल्लाह का पैगंबर बन के आ गई है। लेकिन कौम की बदनसीबी जी इस नेमत को कबूल न करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कौम को पैगाम सुनाने वास्ते आपने ओ मरवा पहाड़ की चोटी के उत्ते खड़े हो गए काबा के सामने बिल्कुल वो चोटी आंदी आई और सारे मदीना तैयबा के उत्ते नज़र पैंदी आई। लोगों का तरीकाकार होंदा आई भाई कहनू सदना होवे ना अरब का तो कहते हैं भाई पहाड़ से चढ़ वेंदे पहाड़ से दूर बंदा खलोता होवे नज़र नहीं आता वह वत की करेंदे नाल कोई लकड़ियाँ रख के भा बलेंदे धुआं उड़दा आई वो जेल पहाड़ी तो धुआं नज़र आवन लग मनिया लोग आदि लगता है कोई बंदा सानू मदद वास्ते सरेंदा पिया या कोई उस उत्ते औखा टाइम आ गया है या कोई ऐसी गल खास उस नाल जरूर बन गई है। दूजा तरीका यह होंदा आई भाई कोई चादर चा के जोर जोर दे हलावन शुरू थी वेंदे लोगों को आवाज़ ही नहीं पैंती बंदा ही नहीं दसीदा दूर दराज तो कुछ हल्दी नज़र आ वनिया तो वह लोग उसके करीब आवन की कोशिश करेंदे तो जेल दूरों पहाड़ी तो उन्होंने लगा ना भाई कोई बंदा सरेना पी है नाल नाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते भी पैन या सबाहाना ये लफ्ज उसले बोला वेंदा है जेल कोई बहुत वड्डा दुश्मन अटैक करने वाला हो गया भाई सारे शहर वाले होशियार थी वनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए भाई शैतान तो वड्डा केड़ा दुश्मन हो सी इस वास्ते लफ्ज इस्तेमाल किए या सबाहाना चादर भी हलाई लोग भजे जमा थे जेले उन्होंने आवाज़ महसूस आई ना एक ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो अब्दुल्ला दे बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो उसकी आवाज़ है तो आप दा शान इतना ज़्यादा ही मक्का दे अंदर भाई कई इलाके दे विच कोई भी रौला हो गया वड़े वड़े सालसा को फैसला न थींदा पियो हो गया अल्लाह दे नबी उतो गुजरते पे होना तो एक जुमला ही फरमा देवे ना ना सारे आदे बस खामोश हो वजो जी गल ए आदा कि इस कहने तू लालच ही कौनी इस कहना कोई तरफदारी का ख्याल भी कौनी जी गल ए आदा पी ठीक आदा पी हो सी इस वास्ते सारे लोग एहतराम करेंगे एक दफ़ा काबा की तामीर थी नहीं पाई आई तामीर थियण तो बाद बड़े बड़े कौम के सरदार उन्होंने जमान जल्ले हजरे असद रखने का टाइम आया ना एक कौम वाल दिल आई भाई ये असा रखा क्यामत तक सारा ना चंगी तरह से भाई हजरे असवाद इन्ना फिट किया आई दूजी कौम वाले भी खलोते हैं त्रीजे चार पांच कौम बड़िया बड़िया खलोती हैं उन्होंने सरदारान खलोते हैं हूँ भाई फैसला कौन करे करीब है कि ये नाराजगी फैल गई तो लड़ाई थीमण का खतरा है उत्थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाया आपने फरमाया एक चादर के उत्ते रखो चा हजरे असवाद चादर के उत्ते रखा फरमाया सारी कौम के नुमाइंदे आ वन और इस चादर नु चावन सारे नुमाइंदे आ गए उन्होंने चादर नु चाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक नाल नसब कर दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतना ज़्यादा खुश हो गए हर कौम वाले कि कोई झगड़ा ही नहीं किया और बहुत वड्डा मारका ये सर अंजाम हो गया यानी इतनी इज्जत लोग करें दे उन्हें जल्ले डिठा भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सने दे पैन और दुश्मन के खिलाफ सने दे पैन तो वादा हर बंदा काम छोड़ के भाज के आ गया आज पहला दिहाड़ा आई कि जल्ले सारा नु पता लग रहे सी भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे पैगंबर बन गए जल्ले सारे जमा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अच्छा ये दसो भाई मैं कि झूठ बोले थोड़े सामने सारे हैरान हो भाई नवी गल केड़ी करें दे झूठ तो तुसा कि नहीं बोला असा जितना भी कोई सानू आके पिया ना भाई झूठे नौज़ बिल्ला झूठी गल की असारी जात के बारे कोई आखे चाहता एदा गुस्सा न लग सी थोड़े बारे अगर कहीं आखा चाहना उस झूठ बोले तो असा मनण वास्ते भी तैयार को ना आपने फरमाया अच्छा अगर मैं ये आखा भाई पहाड़ के पिछले पासे लश्कर हमला आवर थी मना लाए थोड़े उत्ते
बात भी मान गेम सो उन्ना आखा क्यों ना मान गेम सा अखियां नाल क्यों ना देख गेना भाई लश्कर तक कोनी बात भी असानो इतना यकीन हो सी आधा तो सच पिया कह ना कह पैसो हमला आवर थी वैसी। आपने फरमाया वत मैं थानू जेड़ी शह तो डरेंदा ना बड़े 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 दुश्मन तो बड़ी दुश्मन है जहन्नम दी आग और ए शैतान ए थानू इस दुनिया ते आवण तो ही भुलाई वदे भाई आए क्यों वदे हो थारे जेन सिर्फ ये को जो सी भाई आए वदिया कमावण बाल वड्डे करण वास्ते घर बनावण वास्ते जैनी सवारी मिल गई है जैनी शादियां हो गई हैं जैने घर मिल गए ओ समझे दा बस दुनिया दियां ये जरूरतां पूरियां हो गई हैं मेरी सवारी भी ठीक है घर भी ठीक है रिहायश भी मेरी जबरदस्त हो गई बस ये कुछ उस तो बाद हुण मौत दी तैयारियां शुरू करो। इसे वास्ते ये शैतान बहु वड्डे धोखे च और दुश्मनी पाई वदे थानू लिहाजा मैं थानू दसावण आया जो तुसां कै होर वास्ते आए वद्यो ए तो इन यार गुजर वे सी गरीब की भी गुजर बननी है अमीर की भी गुजर बननी है मैं ये थानू आखण आया भाई अल्लाह नाल मिल वनो और अल्लाह वाली गल्लां बंदा ते तकसीम न करो। हैरान होने लगे भी के मतलब है थोड़े आखण का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये तो थानू पता हो सी भाई जितने भी तुसा इन्ह 360 बजुर्गों इलाह बनाया होया ला इलाह इलाह हूँ अरबी का लफज है हूँ इसका मन उन्होंने तो आता ही तो सानू इसका मन आता है जी आखो अलहमदुल्ला आंदा ला इलाह भाई इसका क्या मन है पहला कलमा तैयब तैयब माना पाक ये बच्चन सिखाया करो ना तो इं रखा करो ठीक है ना लफ्ज पहला कलमा तैयब तैयब भी नहीं आखना तैयब लफ्ज है तैयब मानी पाक ही नहीं आखना तैयब माना पाक लफ्ज है ये आख के असा क्या दें ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह दे सिवा कोई जी ये लफ समझाने प्यारे दोस्तों भाई अल्लाह दे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं। देखो ना इलाह भी अरबी का लफ्ज इबादत भी अरबी का लफ्ज इलाह असा तर्जमा किया अरबी का अरबी के अंदर समझ ना आया लिहाजा इसका माना करा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बात भी अरबी का अरबी च तर्जमा तर्जमा ही सुमतनिया दे तर्जमा आदि क्या दूजी जबान च अरबी का अरबी के अंदर मफहूम तो आख सकते हो तर्जमा का हक नहीं अदा होया अगर आपको ला इलाह का मन है कोई परस्तिश दे लायक नहीं कोई पूजा दे लायक नहीं जरा मशहूर तर्जमे हैं अजकल ये भी फारसी के तर्जमे असल इलाह का माना यह थी उर्दू के अंदर कोई पुकार दे लायक नहीं के माना थी जी इजो तो इतफाक है सारे अहले उर्दू का इतफाक है भाई उर्दू चीज़ माना थी ला इलाह कोई पुकार दे लायक नहीं कोई सोरण दे लायक नहीं कोई सद मारण दे लायक नहीं सारी जुबान च माना थी सी कहती पुकार ना हो कर सकते वो तो फौरन समझ गए भाई क्या आखना चाहता है इसका माना यह है जो कहने को नहीं दुआ न की करो सिर्फ अल्लाह को दुआ की करो या फुला मदद या फुला मदद या ए ना आखना हूँ ठीक नहीं नहीं हूँ आखा करो या अल्लाह मदद अल्लाह सिर्फ तेरी मदद बस इया गल करन दी दे रही ओ जेड़े प्यार करे ने सब तो पहले चाचा खलो गया अबू लहब उस आखा तब्बन लका अलिहाजा जमातना अल्लाह याज़ु बिल्ला माना करें दे आया भी बड़ा अजीब लगता है भाई उस आखे शाला बर्बाद थी में अल्लाह याज़ु बिल्ला तब्बन लका अलिहाजा जमातना इसे वास्ते सानू इकट्ठा किया या सारे पीओ डारे दा सारा दीन कुछ भी नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुण देखो ना नज़ारा के हो सी भाई सब तो पहले गाल कढ़ण वाले रिश्तेदार और वह भी बजुर्ग चाचा और वह भी मक्के का बहुत वड्डा सरदार उसनू तबलीग चंगी न लगी तो हुण प्यारे दोस्तों के ख्याल है मशवरा देना चाहिए मुबल्लिग नू भाई ये जिहियां गल्लां न कीतियां करन मशवरा देना चाहिए तुसां के दसेंदे हो जी जाहिर है असा मशवरा पहले ये चलेमा हा भाई सारी मसीह ते ध्यान करे मसला न करे जो इस किस्म के मनण वाले लोग नहीं नहीं मेरे प्यारे दोस्तों तुसा नमाज पढ़िए अल्लाह थोड़ी नमाज कबूल फरमावे हूँ मैं जो नमाज के फजैल ही थोड़ा दसन लग वजा तो अल्लाह पाक ने थोड़ा पहले भी नसीब किए हुए हूँ मैनू चाहिए वो शैं दसा जिसकी सारे अंदर कमी है सारे अंदर बयान तौहीद की कमी है दलायल दे नाल फतवाबाजी भी नहीं करनी कहनू खामा खा बुरा भी नहीं आखना बल्कि रहनुमाई करनी है दूजों ये नहीं आखना हो काफिर मुशरिक सारी गल सुन ना जी ना अगर भरा समझावना उसी उसनों सही अकीदे ते आना उसी तो क्या आख सा उस मिन्नत कर सह आहोजारियाँ कर सा इतना दर्द हो सी कि अंजुआ भी आवन लग पे सन
इस अंदाज नाल समझावना शुरू करना है तो वह अंदाज अस सीरत उल अंबिया च पढ़ते पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हैरानगी दा मंजर ही हो रही भाई, ये देखो जेड़े मैनू सादिक उल अमीन आते हैं, बड़ा प्यार करेंदे हैं, रिश्तेदारियां गिणवेंदे हैं, अज वह मैनू लिहाजा जगह जगह से टोलियां लगनिया शुरू थी गई है। ये भाई नवा अजीब दीन गेन क्या है, ये कोई होर गल्ला करेंद है। हुण आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते होंगे जरा ओ आए तो सुना। अच्छा ये दसो भाई कुरान पाक का इस वक्त पहला लफज केड़ा है? सारे दोस्त दसो अलहमदुलिल्लाह केड़ा लफज है जी। इस वास्ते भी पूछना जो असानू अलहमदुलिल्लाह का क्या माना आंदा भी है कि नहीं, एक तो है ना तर्जमा पकाई बदया क्या सारे जेहन भी मने दे पैन उस तर्जमे नो कि नहीं। मैं अपने प्यारे दोस्तों मुतवज्जे करना चाहसा जरा दिखाए अलहमदुलिल्लाह ए कुरान का पहला लफ्ज है। तुसा क्या जगह पर वेंदे हो किताब पई होंगी कोई मेज उत्ते कें फट्टी उत्ते कें अलमारी च कहते घर वेंदे हो तुसा देखने लग वेंदे हो भाई पता नहीं ये किताब केड़े मौजू ते लिखी गई है उसनु चाहते हो चाह के सब तो पहले वह आखिरी सफर ये हो कि पहला सफा तारुफ पूछना हो किताब का तो पहला सफा चाहते हो भाई दिबाचा मुकदमा इस्तेदा केड़ी लिखी पई है। मैं देखा तो सही पता लग वे भाई ये केड़े मौजू थे उर्दू है साइंस है मुआशरत है केड़ी शह इस अंदर लिखी हुई है वह पहला सफा तारुफ करा रहा है। अगर कोई अजनबी आ वजे ना कुरान तो बिल्कुल अजनबी होए तो वह चाहे भाई मैं ये सोचा भाई मुख्तसर मैनू कोई समझावे कुरान क्यों आया। हुण प्यारे दोस्तों के सामने सवाल है तुसा भी कहते सामने सवाल कर सकते हो तबलीग के मैदान या दो लफ्जों मैनू समझा कुरान क्यों आया ये थोड़े जेने सवाल आ गए। हुण तुसा देखा जवाब सोचो ना भाई मैं दो लफ्जों कहू समझावना एक नाले जे भाई दो लफ्जों समझावना कुरान क्यों आया तो हूँ इस वास्ते सब तो पहला जल्ले सफा कोला ना लफ्ज है फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी बाद च पहला लफ्ज केड़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हूँ सब तो पहले कुरान का तारुफ है कुरान का तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब है जी अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा असा करें सब तारीफ है अल्लाह के लिए यह तर्जमा करें जी जी थोड़े जेहन है कोई इक्के सेंस आदा भी है इसका क्या मतलब हो सी इसका मतलब यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सब तारीफ है अल्लाह के लिए। अच्छा तुस आप इंसाफ ना दसो भाई सानू ये मफहूम समझ आना भी है रईसुल मुफस्सरीन हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी वहाँ बचर ने सारे अपनी सरैकी दे आलिम वो अपनी सरैकी समझाने होंगे वो आते हैं देखो नऊज़ बिल्ला कोई गाने गाँव पी हो तो उसके भी बहुत सारे चावण आए आवेदे वो आते बहुत चंगा गाँव पी है इं रहे कि नहीं जी ये भी तो एक तारीफ है ना तो असों जो आख्या सब तारीफ है अल्लाह के लिए तर्जमा ही है ना जी तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए तमाम दे अलियाँ तारीफा ही आई खाली हैं जेन आता भी है अस आख सारिया तारीफा कोई चोर का हो ना चोरी करने वाला देखो फैन होवे तो वह आखिर हाँ भाई वो बड़े हद की सफाई है बड़ी अजीब चोरी करें तारीफ करने वाले तो उसके भी निके ला दे नौज़ बिल्ला कोई शिरक करने वाला होवे शिरक करने वाला की भी तारीफ करने वाले निकल आते भाई बहुत चंगा है गैर अल्लाह की इबादत करें अल्लाह याज़ बिल्ला भाई बुरी तारीफ ही कैनात मौजूद है तो के मतलब है असा जो आख्या सारिया तारीफा अल्लाह दियाँ तो बुरी तारीफा ही नौज़ बिल्ला सारिया भी आ गई तो यदा मतलब है ना ये मन नहीं समझना है कि नहीं अगर कोई आखे नहीं इस तो मुराद है चंगी तारीफा। अच्छा चंगी तारीफा तुसा करें दो भाई यार सारे महल का फलाना आदमी बड़ा आजिज बंदा है एक तारीफ है ना तो यह तारीफ अल्लाह वास्ते कर सकते हैं हालांकि चंगी है आख सकते हैं अल्लाह नऊज़ बिल्ला अल्लाह आजिज है हालांकि अल्लाह ताला दी ज़ात बड़ी कबीर है बारिश औखा तो नहीं करें भाई चलो ठीक है कुरान चाह गए बस सारा भी टाइम खत्म थी वाले आखिरी मिनट में यह नुकता सिर्फ समझावना है इंशाल्लाह वह दावत का सिलसिला क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत किए वो अगू थे हूँ दसामने जी भाई ये केड़िया तारीफा अल्लाह वास्ते बुरी तारीफा भी अल्लाह दियाँ तो नहीं हो सकदियाँ चंगी तारीफा बंदा वास्ते ही करें वो भी तो नहीं हो सकदियाँ भाई फलाना बहुत सोहनी नमाज पढ़ दे फलाना बहुत चंकी इबादत करें ये चंकी तारीफ है ना जी ये हूँ अल्लाह की कर सकते हैं हालांकि अल्लाह तो इबादत करें नहीं तो इसका मतलब है हूँ थोड़ा जहा समझना है मैं अपने दोस्तों वास्ते दुआ करे सा जितने तशरीफ गिना दे अल्लाह के कुरान वास्ते इन हर एक आयत भी समझ आँदी गई ना इंशाअल्लाह अल्लाह कुरान का माहिर बना दे सी।
इंशाअल्लाह ये हुण अलहम्दुलिल्लाह दा अगर तुसां ओरिजिनल सही मफहूम समझ गिदा तो इंशाअल्लाह ज़हन पाक होवे सन। प्यारे दोस्तों इसका मतलब यह है ओ तारीफां जिस नाल कोई हस्ती इलाह बन सकती है ओ तारीफां अल्लाह वास्ते अलहम्दुलिल्लाह हर तारीफ के मतलब हर वो तारीफ जिस नाल कोई हस्ती इलाह बन सकती होवे। मुशरिकी ने मक्का उहा तारीफ अपने बजुर्गों वास्ते करे ने के मतलब अल्लाह की तारीफ है औलाद ने वण आला तो मुशरिकी ने मक्का दे ए औलाद फलाना फलाना भी लेंदे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत शुरू हुई अलहम्दुलिल्लाह ना तारीफा सारियां इलाह बनन वालियां अल्लाह वास्ते। केड़ियां तारीफा जी इलाह बनन वालियां अल्लाह वास्ते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है और ये कुरान का तारुफ है। कुरान किस वास्ते आया है ये शायद सामने वास्ते आया है जे शे अल्लाह दी है वह बंदा ही तकसीम न करो। अल्लाह की तारीफ है गौसे आजम अल्लाह सब तो वड्डी मदद करने वाला है। गौसे आजम को बंदा नहीं बन सकता। हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी सारे आकोचा मोहब्बत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शाफी उल मसलक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे असा तो उन्होंने पैरों की खाक भी ना हो सकते लेकिन जितना बड़ा वली भी कोई बने ना जी वह खुदा तो नहीं बन लेना। गौसे आजम अल्लाह उन्हें कि नहीं फरमाया हो कि मैनू तुसा गौसे आजम आखो इसका मतलब है ये बंदा के उत्ते अल्लाह तारीफा तकसीम की मैंने पईन। कुरान इस वास्ते आया है अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह तारीफा अल्लाह को रखो अल्लाह तारीफा बंदा तकसीम न करो। अल्लाह की सिफत है दाता अल्लाह की सिफत है गरीब नवाज अल्लाह की सिफत है गंज बख्श अल्लाह की सिफत है कोटियाँ किस्मत खरियाँ करने वाला अल्लाह की सिफत है डुबिया पार लावण वाला ये सारिया सिफत बंदा ही तकसीम हो अल्लाह याज़ु बिल्ला आखो कुरान तो आया भी इस वास्ते ना बंदा दियाँ तारीफा बंदा ताई अल्लाह दियाँ तारीफा अल्लाह ताई ये तारीफा बंदा तकसीम न करे। सो प्यारे दोस्तों हूँ दसो जेड़ा भाई सारे विहाड़ पढ़ता रहे नमाज के अंदर अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारिया इलाह बनन वाली तारीफा अल्लाह वास्ते इलाह बनन वाली तारीफा अल्लाह वास्ते। तो हूँ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी इया कुरान का उनवान भी इया लेकिन वो आके गंज बख्श फुलाएं गरीब नवाज फुलाएं अपनी सरैकी दसो चा भाई ये गल ठीक आता भी है भाई ये तो हूँ अल्लाह तारीफान। अज प्यारे दोस्तों दावत दे उनवान का पता लग गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह फरमाए एक बादशाह साहब भी को पुछदे भाई तुसा क्यों आया उन्हें आख्या जी शाट दो लफ्जा जवाब दे सा ले नुखरे जल इबादा मिन इबादत ल इबादी इला इबादत रब्बिल इबादी असा सिर्फ इस वास्ते आया बंदा नू बंदा दी इबादत चू कढ के अल्लाह दी इबादत दी तरफ ला देवा ए सारी दावत दा खुलासा सी इंशाल्लाह दावत दी आयात अगले दरस ते वमा अलैना इल्लल बलाग अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الكريم